ये मेरा डिवाइस है जो लॉकेड है। देखिए अब देख सकते हैं ये मेरा डिवाइस लॉक है और पूरी तरह लॉक है। इसको हम करते हैं तो जैसे दोस्तों यहाँ पर हमारा MI अकाउंट मांगा जा रहा है, यहाँ पर पासवर्ड मांगा जा रहा है और मेरे को याद भी नहीं है किस प्रकार से इसमें अकाउंट बनाया था और जो है इसमें MI अकाउंट बनाया गया था। लेकिन दोस्तों इसका EI नंबर कैसे पता करें? दोस्तों ये लॉक है फिर भी हम इसका EI नंबर इसका पता करके आपको बताऊंगा। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको जो है हमें जो इसको मोबाइल को जो है बंद करना होगा। बंद करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है जो बटन है पावर बटन है इसको दबा के रखना होगा तब ये बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद दोस्तों बताते हैं आपको और क्या करना है। जैसे कि दोस्तों हम दबा के रख लिए हैं तो हमने इस मोबाइल को रिकवरी मोड में जो है ऑन कर लिया है। रिकवरी मोड कैसे ऑन करना है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बता दूँ आपको ये जो लॉक बटन दिख रहा है ठीक है, ये वो पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन इसको दोनों को प्रेस करना है, उसके बाद जो है रिकवरी मोड में ऑन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो है कुछ अलग भाषा में जो है चाइनीज़ भाषा में ये जो है रहता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए इस प्रकार से रहता है, ये चाइनीज़ भाषा में रहता है तो आपको यहाँ पर प्रेस करना है, यहाँ पर तो ये इंग्लिश में जाएगा, उसके बाद यहाँ पर रिकवरी लिखा और यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करोगे दोस्तों तो ये जो है बंद होके फिर स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद दोस्तों कुछ समय टाइम लगेगा, टाइम तो लेता ही दोस्तों, टाइम तो लेगा ही। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, सर जो वॉल्यूम बटन डाउन बटन को यहाँ पर प्रेस करना है एक बार, और यहाँ पर जो है स्वीप डाटा लिखा है उसको जो है कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ओके का काम करेगा ये मतलब ये पावर बटन ही काम करेगा, तो हम पावर बटन को क्लिक करते हैं। पावर बटन जैसे क्लिक करें दोस्तों यहाँ पर आ गया हमारा, देख सकते हैं स्वीप ऑल डाटा। तो यहाँ पावर बटन पर फिर क्लिक करते हैं तो ये जो है, इसके बाद हम कंफर्म करने के लिए फिर से डाउन बटन क्लिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे। कंफर्म जैसे होगा दोस्तों ये कंफर्म हो गया, उसके बाद जो है ये हो रहा है तो टाइम लगेगा तो इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा। इसके बाद दोस्तों हम बैक आने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, पावर बटन को फिर से क्लिक करेंगे। जैसे पावर बटन को क्लिक करेंगे दोस्तों ये बैक हो जाएगा, उसके बाद इसको रिबूट कर देना है। रिबूट करने के लिए फिर से पावर बटन को क्लिक करेंगे, इसके बाद रिबूट टू सिस्टम करने के लिए दोस्तों फिर से पावर बटन को क्लिक करेंगे। जो ये रिबूट होना स्टार्ट हो गया और ये रिबूट हो रहा है ठीक है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपको इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे दोस्तों आपको जो है लैंग्वेज पूछेगा, आप चाहे जो भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो आपका जो भी लैंग्वेज है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है ठीक है। यहाँ पर मैं जो यहाँ दबा रहा हूँ यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों आपको कंट्री पूछा जाएगा तो अपना कंट्री जो है सिलेक्ट कर लेना है आपको, तो मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया का सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए मैं इंडिया सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको क्लिक करना है ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद दोस्तों ये हो जाएगा कंप्लीट इसका प्रोसेस ठीक है। तो यहाँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे क्लिक कर दोगे दोस्तों आपको जो है एक वाईफाई नेटवर्क से जो कनेक्ट कर लेना है, तो मैं वाईफाई कनेक्टर से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर दिखेगा आपको एड नेटवर्क पर क्लिक करना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है आप देखिए ध्यान से इसको, तब आपको पूरी समझ आएगा। इसमें दोस्तों टाइप करना है आपको चार पाँच बार, जो भी मन लगता है टाइप कीजिए, लेकिन मैं जो है चार बार एक्स 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 टाइप कर दूँगा ठीक है। यहाँ पर मैं जो है चार पाँच बार एक्स एक्स टाइप कर दूँगा ठीक है। एक्स एक्स टाइप कर दिया मैंने ठीक है। एक्स एक्स टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखेगा एक्स एक्स दिख रहा है ठीक है। यहाँ पर इसको दबा के रखना है, जब दबा के रखोगे दोस्तों तो यहाँ पर सर्च का आइकन आएगा, सर्च का आइकन आएगा तो यहाँ पर आपको देखिए गूगल दिख रहा है, इसको आपको प्रेस करना है। जैसे प्रेस करोगे दोस्तों आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा ठीक है। इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको तो पहले काट देना है। काटने के बाद दोस्तों आपको लिखना है यहाँ पर सेटिंग,
तो मैं सेटिंग लिख लेता हूँ, नहीं कर रहा। सेटिंग करोगे दोस्तों, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सेटिंग का जैसे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर गो इट कर देना है, उसके बाद नॉट हैंग्स करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा सेटिंग जो है मोबाइल का सेटिंग खुल के आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये दोस्तों आपको क्या करना है, रेडमी का 4A है तो इसमें दोस्तों आपको करना ये है कि यहाँ पर सेटिंग में आपको ढूंढना है, स्पेस यहाँ पर मिल गया मेरे को, सेकंड स्पेस पर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से क्लिक करना है, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये सेकंड स्पेस जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्पेस स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ टाइम लगेगा, वेट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर स्विचिंग हो रहा है सेकंड स्पेस जो है ऑन होने के लिए, ठीक है, तो आप वेट कीजिए। देखिए दोस्तों ये मोबाइल अपने आप जो है बंद हो गया है, इसके बाद फिर से स्टार्ट होगा वो, ठीक है, स्टार्ट होगा। उसके बाद दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा कुछ समय में, तो वेट कीजिए थोड़ा सा। मोबाइल जो है मेरा स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद दोस्तों आपको निकालना है, क्या निकालना है, MI नंबर जो है। इसमें हमको मोबाइल तो खुल गया, पूरा खुल गया, खुलने के बाद यहाँ पर प्रेस कीजिए। जैसे प्रेस करोगे दोस्तों आपको जो है लिखना होगा **#06#। देखिए दोस्तों इसमें का IMEI नंबर जो है यहाँ पर निकल के आ गया। तो इस प्रकार से आप जो है लॉक मोबाइल में भी IMEI नंबर निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।